रश्मि शुक्ला को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक और पत्र लिखा गया है। दरअसल नाना पटोले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है जिसमें यह मांग की गई है कि रश्मि शुक्ला को किसी भी पद पर नियुक्त न किया जाए। आज ही डीजीपी के पद से रश्मि शुक्ला को हटाया गया है और रश्मि शुक्ला का तबादला किया गया है। और इसी बीच देखिए कांग्रेस की तरफ से एक और मांग की गई है। नाना पटोले ने यह कहा है चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए कि रश्मि शुक्ला की किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं हो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। मृत्युंजय, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज ही कांग्रेस की मांग को स्वीकार करते हुए रश्मि शुक्ला को डीजीपी के पद से हटाया गया, तबादला किया गया, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि कहीं पर भी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए रश्मि शुक्ला की। जी बिल्कुल, देखिए रश्मि शुक्ला जो हैं वो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। उनको डीजीपी पद के लिए 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया था, इसीलिए वो महाराष्ट्र सरकार के स्पेशल ऑर्डर पर 2 साल के लिए उनका एक्सटेंशन बढ़ाकर महाराष्ट्र का डीजीपी उनको नियुक्त किया गया था। लेकिन हमेशा से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता जो भी कांग्रेस हैं, शिवसेना यूबीटी है या फिर एनसीपी शरद पवार गुट है, हमेशा से रश्मि शुक्ला पर आरोप लगाता रहा है कि रश्मि शुक्ला देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर काम करती हैं। 2019 पे रश्मि शुक्ला पर आरोप लगा था कि उन्होंने शरद पवार, संजय राउत जैसे नेताओं के फ़ोन टैपिंग किए थे। और जैसे ही फिर से सत्ता में शिंदे सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, रश्मि शुक्ला को एक बड़ा पद मिल गया। तो कुल मिलाकर पहले से ही कांग्रेस इसके खिलाफ रही है। चूंकि रश्मि शुक्ला को 2 साल का एक्सटेंशन देकर डीजीपी पद बनाया गया था, बाकी अन्य किसी पद के लिए ये एक्सटेंशन नहीं था, तो ऐसे पर कांग्रेस ने फिर से मांग की है चुनाव आयोग से कि उन्हें अब डीजीपी पद से तो हटा दिया गया है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई और पद पर भी वो ना रहें। इसीलिए ये पत्र एक बार फिर से नाना पटोले ने चुनाव आयोग को लिखा है। अब ये देखना होगा कि जो रश्मि शुक्ला की नियुक्ति हुई थी 2 साल का एक्सटेंशन देकर डीजीपी पद के लिए, तो अब जो मुख्य सचिव हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, इस पर निगाहें टिकी होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं रश्मि शुक्ला हमेशा से महाविकास आघाड़ी के निशाने पर रही हैं। कई प्रकार के आरोप भी लगे हैं, यहाँ तक कि मामले भी दर्ज हुए थे। जो फोन टैपिंग का केस चला था 2019 में, उसमें यही आरोप लगा था कि रश्मि शुक्ला ने ही तमाम पूरे मामले को लेकर क्लीन चिट भी मिल गई थी। लेकिन अब सवाल कहीं ना कहीं ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस को यह संदेह है कि रश्मि शुक्ला के रहते महाराष्ट्र में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, और इसी वजह से लगातार महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये मांग भी बार बार दोहराई जा रही है। लेकिन अभी जो पत्र नाना पटोले की तरफ से लिखा गया है, उस पत्र में क्या क्या बातें कही गई है, किस बात का जिक्र है, क्या आप विस्तार से बता पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए नाना पटोले ने जो चुनाव आयोग को पत्र लिखा है उसमें कहीं ना कहीं रश्मि शुक्ला की कार्यप्रणाली का जिक्र किया है कि किस प्रकार से रश्मि शुक्ला एक प्रभावित होकर काम करने वाली अधिकारी रही हैं। उनका जो इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं एक पार्टी या एक नेता के प्रभाव के अंतर्गत काम करने का रहा है, और इसीलिए मांग की गई है कि, और दूसरा ये कहा गया है कि जो डीजीपी उन्हें बनाया गया था वो उनके सेवानिवृत्त होने के बाद एक्सटेंशन देकर 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया था, और सिर्फ ये ऑर्डर में लिखा गया था कि डीजीपी पद के लिए ये एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अब चूंकि वो डीजीपी पद पर नहीं है, तो ऐसे पर उनका जो एक्सटेंशन दिया गया था वो किसी अन्य पद के लिए योग्य नहीं होगा। इसीलिए मांग की गई है कि अब डीजीपी पद के हटने के बाद ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रश्मि शुक्ला को कोई और पद ना दिया जाए, ताकि वो किसी प्रकार से किसी नेता या पार्टी के अंतर्गत या उनके ऑर्डर पर काम ना करे। आपका शुक्रिया ये अपडेट्स पहुंचाने के लिए। अब देखिए महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को तो पद से हटा दिया गया, लेकिन विवेक फसालकर को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार अभी सौंपा गया है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर है विवेक फसालकर, जिन्हें डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो देखिए महाराष्ट्र चुनाव से पहले डीजीपी रश्मि शुक्ला को पद से हटाया गया और डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार अभी संभालेंगे विवेक फसालकर। मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं विवेक फसालकर, जिन्हें अभी यह पद सौंपा गया। हालांकि देखिए कांग्रेस की तरफ से एक और मांग रख दी गई है रश्मि शुक्ला को लेकर कि उनकी किसी भी पद पर नियुक्ति ना हो। नाना पटोले की तरफ से यह पत्र लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को, जिसमें मांग ये की गई है कि रश्मि शुक्ला को किसी भी पद पर नियुक्त न किया जाए। और इसी बीच देखिए रश्मि शुक्ला को जो पद से हटाया गया, तो डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार विवेक फसालकर को दिया गया है, जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर है और अभी वो इस पदभार को संभालेंगे। देखिए रश्मि शुक्ला, जिनको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता रहा है, सवाल उठाते रह जाते रहे हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर यह है कि उपचुनाव की तारीख बदल गई है। यह इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, तारीख बदली है, और तारीख क्या है वो अपडेट आपको देने जा रहे हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होगा। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर देखिए उपचुनाव होना है। 13 नवंबर की तारीख जो उपचुनाव की थी उसको बदलकर अब 20 तारीख कर दिया गया है।
ये आखिर तारीख क्यों बदली गई, ये एक बड़ा सवाल है और इसके पीछे की क्या वजह है वो हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए बड़ा अपडेट ये कि 13 नवंबर नहीं बल्कि अब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वो 20 नवंबर को होंगे। तारीख बदल गई है यूपी उपचुनाव की, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 नवंबर को अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होगा 9 सीटों पर, जिसको लेकर लगातार देखिए तैयारियां की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, लगातार तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर, राजनीतिक बयानबाजी तेज है। लेकिन इसी बीच देखिए उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तारीख बदली है, लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, आखिर क्यों यूपी उपचुनाव की तारीख बदली गई ये समझना होगा। पहले 13 नवंबर की तारीख थी लेकिन अब ये तारीख बदलकर 20 नवंबर कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ आशीष कुमार सिंह हमारे साथ फोन पर कनेक्ट हैं। आशीष, आखिर ये तारीख क्यों बदली गई है 13 नवंबर की जगह पर 20 नवंबर? देखिए, पहले तो ये सबसे बड़ी खबर है कि 14 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव की तारीख थी उसको बदल दिया है 13 नवंबर की जगह। अब चुनाव आयोग ने 20 नवंबर को मतदान का फैसला किया है, 23 नवंबर को अब इसकी मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होगा। इसी तरह पंजाब के 4 और केरल की 1 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। ये चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो पार्टियों के द्वारा मांग की गई थी, इन लोगों ने अपने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देकर के जो मांग की थी उसको ध्यान में रखते हुए, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम बहुत से बीच में पड़ रहे थे उनको लेकर के ये मांग की गई थी, उसको कंसिडर करते हुए चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला किया है और उपचुनाव की तारीख और मतगणना की तारीख को बदल दिया गया। क्या जो मिल्कीपुर सीट है जिस पर अभी उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की गई थी आशीष, उस पर भी इसका कुछ असर पड़ सकता है अब अगर तारीख एक हफ्ता डिले हुई है तो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ने उनसे मांग की थी अलग अलग कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, प्राइमरीली उसको कंसिडर करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की इन तारीखों को बदला गया। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मतगणना की तारीख को भी अब 23 नवंबर कर दिया। ठीक है आशीष, अंकित भी हमारे साथ कनेक्ट है, ज्यादा अपडेट उनसे भी ले लेते हैं। अंकित, क्या अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर, मांग की जा रही थी और तारीख बदल दी गई है? जी बिल्कुल, तारीख बदल दी गई है और इसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश की सभी जो है 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उनकी तारीख बदल दी गई है। और मांग जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि तमाम चुनाव आयोग ने बताया है कि तमाम राजनीतिक दलों ने मांग एक स्वर में यही की थी, क्योंकि 13 तारीख को धार्मिक और सामाजिक आयोजन होने हैं और ऐसे में अगर चुनाव उस दिन करवाया जाता है तो उसका सीधा सा असर चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर और मतदान प्रतिशत के ऊपर पड़ सकता है। और उसी को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है, जहां उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर तो वहीं पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीट पर, यानी कुल मिलाकर के उसमें अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर होगी, हालांकि मतगणना 23 नवंबर को ही होगी। जी ठीक है। और अंकित, राजनीतिक पार्टियां इस फैसले को किस तरीके से देख रही है, क्योंकि मांग की जा रही थी धार्मिक कार्यक्रम की वजह से कि 20 नवंबर 13 नवंबर की जगह तारीख बदली जानी चाहिए, 20 नवंबर को होगा, तो क्या मतदान प्रतिशत पर वाकई इसका असर पड़ेगा, किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं इस फैसले को? देखिए, राज्य चुनाव आयोग को, अलग अलग जो राज्य हैं उनके चुनाव आयोग को और केंद्रीय चुनाव आयोग को इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जरूर दिया गया था और उसी बात का जिक्र केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज जो अपना फैसला लिया है उसमें उस बात का जिक्र भी किया है कि हमको जो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिला था राजनीतिक दलों के द्वारा, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी भी थी और राज्य स्तर की भी पार्टी थी, और उसी को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है जिससे कि मतदान प्रतिशत पर असर ना पड़े। हालांकि उसको लेकर भी जो है मुमकिन है कि कुछ एक राजनीतिक दल सवाल भी खड़े करें, लेकिन चुनाव आयोग का साफ तौर पर यह कहना है कि उनको अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा जो राज्य स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनको ये रिप्रेजेंटेशन मिला था और उसी को ध्यान में रखते हुए। रोक रही हूं आपको, अनुराग भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। अनुराग जी, तारीख बदल गई है 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को उपचुनाव, कैसे देखते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले को? देखो, चाहे 13 कर दो, 20 को कर दो, या 22 को कर दो, या 25 को कर दो, 9 के 9 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारने जा रही है, ये तय है। कोई भी तारीख हो, बस जनता इंतजार कर रही है, तारीख मिलेगी वो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंट बढ़े इसके लिए ये डिसीजन लिया गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान की प्रक्रिया में भाग लें, क्या आपको लग रहा है कि इस तारीख बदलने से ऐसा होगा? मुझसे सवाल है जी अनुराग जी, आप ही से बात कर रही हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कितनी भी तारीख बदल लो, ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बैठे हैं, तारीख बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, चाहे कितनी भी तारीखें बदल लें, चाहे कुछ भी कर लें। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में 9 की 9 सीटों पे बीजेपी हारने जा रही है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी,
या कोई भी होना तो वही है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है अनुराग जी, मतलब आप पूरे कॉन्फिडेंट है, तारीख कोई भी हो उत्तर प्रदेश में आप जीतेंगे, इसको लेकर आप आश्वस्त है। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और आप सभी सहयोगियों का भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बस मार्शल्स की बहाली को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के घर के पास किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण हादसा, यात्री बस गहरी खाई में गिरी, हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 36, बस में सवार थे कुल 45 लोग। बस एक्सीडेंट में घायल लोगों को रामनगर के रामदत्त जोशी अस्पताल में कराया गया भर्ती, कुछ लोगों की हालत नाजुक, 3 मरीजों को ऋषिकेश एम्स के लिए किया गया एयरलिफ्ट। अल्मोड़ा में राहत और बचाव कार्य जारी, एसडीआरएफ की 6 टीमें मौके पर मौजूद, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख की सहायता राशि देने का निर्देश। महाराष्ट्र में चुनावी हलचल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को पद से हटाया गया, विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फसालकर को एडिशनल चार्ज दिया गया। झारखंड में गढ़वा से पीएम मोदी ने चुनावी रैली का आरंभ किया, विरोधियों पर जमकर किया प्रहार, कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी ने झूठे वादे किए, इस चुनाव में विदाई पक्की। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी समर में कूदेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कल झारखंड में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी, अब वाराणसी में लगा पोस्टर, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे, पोस्टर लगाने वाले ने खुद को बताया बीजेपी युवा मोर्चा का महामंत्री। बटोगे तो कटोगे के नारे पर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा आपस में बटोगे तो कटोगे, हिंदू एक रहे तो तोड़ने वालों की याद आ जाएगी नानी। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगा नया पोस्टर, पोस्टर में अखिलेश को बताया गया 2024 का जन नायक, 2027 का महानायक। दो बार के पार्षद और दो बार के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, मनीष सिसोदिया ने दिलाई सदस्यता। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद बीबी त्यागी ने कहा अगर पार्टी ने मौका दिया तो लक्ष्मीनगर सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र का पहला दिन हंगामेदार, धारा 370 को हटाने की निंदा प्रस्ताव को लेकर सदन में हंगामा, पीडीपी विधायक ने रखा था प्रस्ताव। गाजियाबाद कोर्ट में हड़ताल पर वकील, जिला जज को बर्खास्त करने की मांग, कुछ दिन पहले कोर्ट रूम को बंद करके पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। गाजियाबाद की जिला अदालत में वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना के विरोध में आंदोलन पर यूपी के वकील, इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत ज्यादातर अदालतों में कामकाज ठप, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। दिल्ली में छठ के घाटों पर सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री आतिशी ने घाटों का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ आईटीओ घाट पर तैयारियों को देखा। घाट का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार बेहद संवेदनशील, आज 1000 से ज्यादा घाटों पर होती है पूजा, 2014 में दिल्ली में थे केवल 60 घाट। दिल्ली में छठ घाटों की भव्य तैयारी की ड्रोन तस्वीरें सामने आई, 7 नवंबर को डूबते हुए और 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। यमुना में जहरीला झाग बरकरार, पानी के ऊपर अब भी तैर रही है जहरीले झाग की मोटी परत, छठ करने वाले लोगों के लिए चिंता बढ़ी। छठ महापर्व से पहले यमुना में केमिकल के छिड़काव के जरिए जहरीले झाग को खत्म करने की कोशिश जारी, पिछले 15 सालों में यमुना की सफाई पर तकरीबन 7,000 करोड़ किए जा चुके हैं खर्च। छठ पर घर जाने वालों की दिल्ली से लेकर मुंबई के स्टेशन तक खचाखच भीड़, बिहार जाने वाली ट्रेन में पैर रखने की जगह तक नहीं, किसी तरह से धक्के खाकर घर जाने की मजबूरी। छठ पर्व को लेकर यात्रियों का बुरा हाल, स्पेशल ट्रेन में भी नहीं मिल रही सीट, ट्रेन की खिड़की से घुसते निकलते दिखे लोग। सूरत में यात्रियों की भारी भीड़, उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतार नजर आई, भारी भीड़ के चलते पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। छठ पर्व के लिए दिल्ली से लोगों के जाने का सिलसिला जारी, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किए गए खास इंतजाम। छठ पूजा को लेकर सातवें आसमान पर फ्लाइट की टिकट के दाम, दिल्ली मुंबई से पटना का किराया 12,000 से 19,000 तक पहुंचा, बिहार जाना दुबई और मलेशिया जाने से भी महंगा हुआ। मुंबई में प्रदूषण की वजह से खतरनाक स्तर पर पहुंचा एक्यूआई, मरीन ड्राइव और आसपास दिखी गहरी धुंध, पानी का छिड़काव जारी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का निकल सकता है हल, सूत्रों के हवाले से खबर, कल प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में हुई थी चर्चा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे सीएम योगी। झारखंड के बरहेट सीट से हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू ने बदला पाला, बीजेपी में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा सरमा की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यूसीसी और एनआरसी पर बयान, कहा कि राज्य में नहीं चलेगा यूसीसी और एनआरसी, यहां पर केवल सीएनटी एसपीटी ही चलेगा। बीजेपी के बागी गोपाल शेट्टी नामांकन वापस लेंगे, बोरीवली सीट से नामांकन किया था, दो दिन पहले देवेंद्र फडणवीस से हुई थी मुलाकात। बागी प्रत्याशियों पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, जिन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया उनके लिए पार्टी के दरवाजे बंद होंगे। बिहार के रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का दंगल, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज करेंगे चुनाव प्रचार, आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह के लिए करेंगे रोड शो। उत्तर प्रदेश के कुंदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव, टोपी पहनने पर बीजेपी प्रत्याशी ने सफाई दी, कहा कि टोपी पहनने या तिलक लगा लेने से कोई हिंदू या मुसलमान नहीं बन जाता। वायनाड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका के लिए राहुल गांधी ने जनसभा की, कहा कि वो भारत को भाषा धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, कहा कि नए टूल किट तैयार कर रही है कांग्रेस, वक्फ बोर्ड के बहाने गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं राहुल। चित्रगुप्त पूजा के मौके पर सीएम नीतीश ने छुए बीजेपी नेता आरके सिंह के पैर, आरके सिंह ने किया था पूजा का आयोजन, मंदिर का पुनर्निर्माण होने पर दिया था धन्यवाद। आज राष्ट्रीय नदी संगम का उद्घाटन सत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत का मामला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया, जानवरों की सुरक्षा के लिए बनेगा टास्क फोर्स। राजस्थान के अजमेर में पाइप फैक्ट्री गोदाम में भीषण आग लगी, आग से लाखों का नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस में आग लगी, यूपी के हाथरस में यह हादसा हुआ, ड्राइवर ने समय रहते सभी यात्रियों को बाहर निकाला, बस की छत पर रखे सामान की वजह से आग लगने की आशंका। हावड़ा जिले के उलूबेरिया में पटाखा गोदाम में विस्फोट, आसपास मौजूद कई मकानों में दरार आई, गोदाम में अवैध रूप से स्टोर किए गए थे पटाखे, पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। बदायूं में किन्नर की हत्या और लूट के मामले में खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, शिष्य ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर की थी गुरु की हत्या, 83,000 नकदी, 20 लाख रुपए के सोने की हुई थी लूट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सामने आया धर्मांतरण का मामला, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 11 परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में वापस अपने धर्म में लौटे लोग, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रहे मौजूद। प्रयागराज महाकुंभ के लिए अखाड़ों के साधु संतों का आगमन शुरू, सबसे पहले श्रीपंच दशनाम जूना और उससे जुड़े किन्नर अखाड़े के संतों ने प्रवेश किया, शाही अंदाज में नगर प्रवेश हुआ। उत्तरकाशी के मुखबा पहुंची मां गंगा की उत्सव डोली, शीतकाल के दौरान 6 महीने तक मुखबा में होगी मां गंगा की पूजा, डोली पहुंचने के बाद मां गंगा की विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना। चित्रगुप्त पूजा महोत्सव में शामिल हुए बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद, देश के कायस्थ समाज के योगदान का जिक्र किया, लोगों से कहा कि सिर्फ अपनी जाति तक सीमित न रहकर समाज की भलाई के लिए काम करें।